हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आवर स्कूल। हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज देख रहे थे। फर्स्ट चैप्टर था हमारा ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के खाने की आदतें। तो हम बी पार्ट कर रहे थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थ्री क्वेश्चन हो गए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फोर्थ तो हमारा क्वेश्चन है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हर्बीवर एंड कार्निवर। गिव एग्जाम्पल इस टाइप, यानी कि एक शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, और इनके एग्जाम्पल देने आपको। तो हर्बीवर्स किसको बोलते हैं? शाकाहारी एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। एग्जाम्पल क्या है? एलिफेंट एंड डियर, यानी कि वह जानवर जो पौधों को खाते हैं या फिर पौधों के भागों को, उनको बोलते हैं शाकाहारी। इसके एग्जाम्पल एलिफेंट यानी हाथी एंड डियर यानी हिरण। आपको जो भी ये वर्क करवाया जा रहा है वो आपको रफ वर्कशीट में करना है, नहीं कि फेयर में करना है। और नेक्स्ट है कार्निवर यानी मांसाहारी। कार्निवर्स यानी एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर, यानी कि वह जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी। इसके एग्जाम्पल है लॉयन एंड टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव, व्हाई एंड हाउ डू वी टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। व्हाई यानी कैसे, हाउ यानी व्हाई यानी क्यों, और हाउ यानी कैसे वी टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि घरेलू जानवरों की हमें देखभाल क्यों और कैसे करनी चाहिए। We should take good care of domestic animals as they are useful to us. हमें घरेलू जानवरों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल यानी उपयोगी होते हैं। और हाउ कैसे करनी चाहिए, तो वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर। हमें उनको एक प्रॉपर फूड यानी अच्छा खाना और क्लीन यानी साफ पानी देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टू, लास्ट टू, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल्स यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। हमें इस पजल को सॉल्व करना है और नीचे क्या हमें क्लू दिए हुए हैं इनको देख के। हमारा नेक्स्ट फर्स्ट यहां पे दिया हुआ है, एक क्रॉस यानी कि क्रॉस लाइन और डाउन यानी ऊपर से नीचे। तो क्रॉस में फर्स्ट में एन इंसेक्ट दैट सक नेक्टर, जो नेक्टर को सक करती है, बी से स्टार्ट है तो उसको क्या होगा, तो ये हो जाएगा बटरफ्लाई। तो ये आपको करना है बी यू टी टी ई आर एफ एल वाई बटरफ्लाई। गिवन हमें ये नहीं दिया था और ये नहीं, टी दिया हुआ ई और ये नहीं है एफ एल वाई भी नहीं, ये था यहाँ पे सेकंड। फिर होता है ऊपर से डाउन ऑफ पॉइंट, एक कट चिविंग एनिमल्स बी से स्टार्ट होगा, क्या होगा कट चिविंग बफेलो, तो बी यू F F A L O buffalo।
फिर आता हमारा फॉर अपसाइड डाउन फर्स्ट एकचुइंग एनिमल्स, ये हो गया बफेलो। फिर आता है इसमें सेकेंड अपसाइड डाउन, यहाँ से टी एक यानी एक मास आ रही, कौन सा होगा जो टी से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा टाइगर, टी आई जी ई आर। फिर है हमारा यहाँ से फोर्थ एक्रॉस एन एनिमल दैट स्लो फूड विदाउट च्यूइंग, एक ऐसा जानवर जो बिना चबाए ही भोजन को निकल जाता है, तो हो जाएगा हमारा क्या एफ से स्टार्ट है तो फ्रॉग मेंढक एफ आर ओ जी। फिर है फिर एन एनिमल दैट लैप मिल्क, जो मिल्क को लैप करता है वो कौन सा एनिमल है, तो हो जाएगा कैट, सी से स्टार्ट है तो सी ए टी। फिर सिक्स है एनिमल एन एनिमल दैट गुनो फूड, जो फूड को गुनो करता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा एनिमल है वो, तो यहाँ सिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आर से स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा रैबिट, आर ए बी बी आई टी। तो नंबर थर्ड ऊपर से नीचे अप डाउन ए ग्नोविंग एनिमल फाउंड इन अवर होम्स, ए ग्नोविंग एनिमल जो हमारे फाउंड गांव पर हमारे घरों में मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, थर्ड आर से स्टार्ट है तो हो जाएगा रेड चूहा। फिफ्थ हो गया सिक्स हो गया फिर लास्ट सेवन, सेवन स्टार्ट होता है एम से, एन इंसेक्ट दैट सक ब्लड विथ द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब, जो ब्लड को सक करता है किसकी हेल्प से, एक लॉन्ग ट्यूब से, इसको क्या बोलते हैं मॉस्किटो, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ। ये हो जाएगी पजल सॉल्व प्लस के लिए बस इतना ही, आपको ये रीड एंड रिमेम्बर करना है, नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे हम। ओके थैंक्स।